हाँ रेडी नंबर पेन एक्शन। सर इश्क सुफियाना की शूटिंग चल रही है और आप बतौर बॉलीवुड में एज ए हीरो लॉन्च हो रहे, क्या कहना चाहेंगे? कहना मैं ये चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं इश्क सुफियाना का एक हिस्सा बना हूं और मुझे पहली बार बॉलीवुड में किसी हिंदी मूवी में काम करने का मौका मिला है। पहले पंजाब में बहुत काम किया है एज ए सिंगर और कुछ मूवीज भी की हैं पंजाबी, लेकिन ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सुरजीत सिंह का धन्यवाद तहे दिल से कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। इश्क सुफियाना में मेन लीड में कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी मूवी है, यूथ की मूवी है जिसमें कि आपको सब मसाला मिलेगा, सब एकदम परफेक्ट मूवी है। बहुत सोच समझ कर स्टोरी लिखी गई है और ऊपर जो सारा शूट हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से शूट हो रहा है, सारी टीम बहुत अच्छी मेहनत कर रही है और बाकी जो हमारे साथी कलाकार हैं सारे बहुत अच्छा अच्छा अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरा किरदार बहुत बढ़िया है, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी हिंदी मूवी करूंगा, लेकिन अब कर रहा हूं तो जो मेरा किरदार मुझे दिया गया मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 100% दूं। तो आज ये दूसरा दिन है शूटिंग का, कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं पंजाब और फील तो घर जैसा ही है क्योंकि अब सारे मिक्स हो गए हैं, सारी ट्यूनिंग हो गई है, अब तो ऐसा नहीं लगता शूट करें, अब तो ऐसा लगा कि बस खुशी से बैठे हैं, बातचीत चल रही है, हंसी मजाक हो रहा है और साथ में काम हो रहा है। सुरजीत सिंह जी बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छी नेचर है उनकी और जैसे मैं देख रहा हूँ कि सारी टीम के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत प्यार से पेश आते हैं, बहुत ही अच्छा स्वभाव है उनका और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। सर बात करें चलते चलते कि आपको जो जाने जाते हैं आपके वो
पंजाबी गानों के तो बस दो लाइन हो जाए। दिन पहले पहला नी धरिया पैर तू जद मुटियारे, दिन पहले पहला नी धरिया पैर तू जद मुटियारे, मुंडे लड़ पे कॉलेज दे नी तेरा ना रखन दे मारे। देखिए इश्क सुफियाना में मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ, आप ये समझिए कि एक तरह से दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर है वो, जो कि उसको पोर्ट्रे कर रहा हूँ और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा करूँगा क्योंकि काम को लेकर के काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैं बेसिकली मैं थिएटर से हूँ और श्रीराम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट का पास आउट हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है और सारे एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करना है और एक अच्छा आउटकम करना है। देखिए सुरजीत सिंह एक बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रयास उन्होंने किया है इस फिल्म का और मुझे कोई शक नहीं कि यह फिल्म जब कंप्लीट होगी तो बहुत अच्छा काम करेगी और आप सबको खुशी होगी इससे। थैंक यू वेरी मच। मैम बात करें आज इस सूफियाना में आप चीफ गेस्ट आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? इश्क सूफियाना मूवी जो है जिसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर सुजीत सिंह जी हैं, उसके जो हीरो हैं राय जुझारू जी, ये बहुत एक अच्छी और रोमांटिक फिल्म है और मैं समझती हूँ कि यह फिल्म बहुत ही अच्छा चलेगी, ये मुंबई में तो धूम मचाएगी। क्या कहना चाहेंगे जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुजीत सिंह हैं? सुजीत सिंह बहुत ही एक अच्छे नेचर के हैं और इनकी पिक्चर कई पिक्चरें हो चुकी हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और इनको मैं शुभकामना देती हूं कि ये पिक्चर उनकी बहुत धूमधाम से चले। और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप, जो कि एक अदर फील्ड से हैं, फिल्मों में से दूर दूर में नाता नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से तो यही करूंगी कि कोई भी फिल्म आती है उसे सक्सेस तो जनता ही सक्सेस बनाती है, तो सबसे यही विनती करूंगी कि इस फिल्म को जरूर देखें। रोहिणी जी बात करें इस सुफियाना में तो आप किसके साथ इश्क लड़ा रहे हैं? जी सर अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकती, डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट हाँ बॉक्स ऑफिस में आते ही पता चलेगा कि हम किसके साथ इश्क लड़ा रहे हैं। तो आप इश्क लड़ाने के साथ साथ इश्क गा भी रही हैं? हाँ जी, मैंने एक प्लेबैक सिंगिंग मैंने यहीं से स्टार्ट किया मेरा करियर जो है, मुझे सुजीत सिंह ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है एज अ प्लेबैक सिंगर, तो मैं सिंगिंग भी करूंगी प्लस एक्टिंग भी करूंगी। जी मैं सुरजीत सिंह के बारे में ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छे गाय हैं, बहुत जो उनका काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है, तो मैं चाहूंगी कि उनके लाइफ में बहुत सारे सक्सेस मिले और उसमें हम लोग भी अपना 100% करना चाहेंगे, बिकॉज हमारे 100% करने से ही उनको सक्सेस मिलेगी। वेलकम। जय क्या कहेंगे आज आपकी फिल्म के दूसरे दिन की शूटिंग है और शूटिंग करके कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली आज मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहली बार एज ए एक्टर कैमरा फेस किया है फिल्म में, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझे आज। क्या कहना चाहेंगे आज जो फिल्म के सभी सामने आई है, क्या कहेंगे जो फिल्म के प्रोड्यूसर सुरजीत सिंह जी हैं उनके साथ काम करके कैसा लगा? बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, इन्होंने काफी मतलब काफी सालों से ये फिल्म बना रहे हैं और इनको काफी एक्सपीरियंस है, इस फिल्म में भी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और जरूर उनको सफलता मिलेगी। जैसे कि आज का आपका दूसरा दिन शूटिंग का है तो आपने कितनी तैयारियां की, आपको जो किरदार दिया गया उसमें कितने आपने मेहनत से? किरदार छोटा हो या बड़ा मेहनत तो करनी पड़ती है हर किरदार के लिए, तो आज भी की थी और अच्छा लगा। तो फर्स्ट डे जब आपको ओके हुआ लोगों ने बोला कि नहीं आपने अच्छा किया, तो कैसा फील किया? बहुत ही अच्छा फील होता है जब लोग इतने सारे लोग देखते और बोलते हैं तो काफी अच्छा लगता है। और आज यहाँ तक आपने जो सफर तय किया है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सुरजीत सर को ही देना चाहूंगा मैं। और घर वालों को किन का ज्यादा आपको सपोर्ट मिलता है? घर वालों में सभी का सपोर्ट है मेरे साथ, सुरजीत सर का भी और घर वालों में भी सबका सपोर्ट है मेरे साथ। दर्शकों से क्या कहेंगे? बस यही कहूंगा कि जब भी ये फिल्म आए बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ये फिल्म को जरूर देखने जाए, लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म। थैंक यू।
एक्शन। क्या इस प्यार को दिल में दबा कर रख पाना आसान होगा? बुलाओ जय। बाथरूम का रास्ता पकड़ते हैं। प्यार की क्या बात, इसी जुबान से